तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बात करने जा रहे हैं लुकअप मेथड, लुकअप एंड रेफरेंसेस फॉर्मूले के ऊपर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो फॉर्मूला बार में हमने लॉजिकल फॉर्मूला कवर कर लिए, हमने टेक्स्ट फॉर्मूला कवर कर लिया, हमने डेट एंड टाइम फॉर्मूला कवर किया। अब दूसरी कैटेगरी जो है लुकअप एंड रेफरेंसेज। लुकअप एंड रेफरेंसेज में रेफरेंसेज जो है लुकअप, दो अलग अलग कैटेगरीज है। तो आज हम आपके सामने रेफरेंसेस फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो रेफरेंसेस फॉर्मूला का सबसे पहला फॉर्मूला है एड्रेस। अब क्या है कि आपके पास जो सेल का एड्रेस होता है वो A1, B1, C1 इस तरह से होता है, इसमें अल्फा न्यूमेरिक होता है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि आपको रो नंबर एंड कॉलम नंबर आपको मिल गया, तो उसका सेल का एड्रेस क्या होगा, यही चीज बताता है हमारा एड्रेस फॉर्मूला। एड्रेस रो नंबर एंड कॉलम नंबर बताएगा कि F2 यहां, तो ये रेफरेंस बताता है। लेकिन मुझे अगर F2 की वैल्यू चाहिए तो हमारे पास फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट, क्योंकि F2 जो है ये एक टेक्स्ट के रूप में है, आपको दिख तो रहा है कि एड्रेस है, लेकिन एक्चुअल में ये एक टेक्स्ट है, एक ABCD है। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया इनडायरेक्ट का, और इनडायरेक्ट फॉर्मूले के जरिए इसको हमने इसको ले लिया एंड ओके कर दिया, तो ये आपका 352 रिजल्ट शो कर दिया, ठीक है सर। हेलो, ठीक है सर, लेकिन ये जो B3 और ये C3 है कैसे यहाँ पे दे दिया आउटपुट F2 पे? नहीं, ये आपका B3 C3 पे जो नंबर डाला हुआ है, जैसे मैं इसे एग्जांपल बताता हूँ समझ में आएगा आपको, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे नेम दे दिया और मैं यहाँ पे जैन से लेकर दिसंबर तक का डेटा दे देता हूँ, और यहाँ पे मैं नाम अपना डाल देता हूँ, ठीक है सर। और यहाँ पे मैं एक अपना छोटा सा डेटा बना देता हूँ जो कि आपको दिखेगा, अब मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी एंड पेस्ट। अब मान लीजिए कि मुझे इसमें चाहिए, ये देखना है मुझे कि नेम एंड क्वार्टर, तो मैं क्वार्टर। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? मैं चाहता हूँ, बढ़िया सर, रिकॉर्डिंग शुरू। हाँ, पूजा, मुझे चाहिए पूजा का Q1 का रिपोर्ट चाहिए, पूजा का Q1 का रिपोर्ट चाहिए। बट कैसे लाए, क्योंकि यहां तो मंथली है हमारा क्या, तो यहां पे एक हमारे पास चूज का फॉर्मूला होता है। चूज फॉर्मूले के अंदर में मैं क्या करूंगा कि इसको सिलेक्ट करूंगा और बोलूंगा कि अगर एक आए तो जैन, दो आए तो अप्रैल, तीन आए तो जुलाई, मतलब कि जैन अप्रैल जुलाई अक्टूबर अक्टूबर, मतलब हर इसका क्वार्टर का हमने पहला दे दिया। अब यहां पे मैं इफ भी लगा सकता था, तो इफ में क्या करना होता है कि आपको कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि दैट इज इक्वल टू 1, तो जैन फिर इक्वल इफ नेस्टेड इफ लगता, चार इफ लगते इसमें। तो यहाँ पे हमने सिंपल चूज लगा दिया। चूज फॉर्मूला क्या करता है कि वो इंडेक्स नंबर लेता है कि अगर यहाँ पे 1 है तो पहले वाले को शो करेगा, 2 है तो दूसरे वाले को, 3 है तो तीसरे वाले को। तो हर बार हमें कंडीशन देने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो चूज फॉर्मूला समझ में आ गया। तो अब मैंने क्या किया, मैच का फॉर्मूला लगाया। मैच फॉर्मूला क्या करता है कि किसी भी सेल वैल्यू को किसी भी अनदर रो एंड कॉलम, मतलब कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सर्च करता है और बताता है कि वो एग्जिस्ट है या नहीं, और एग्जिस्ट है तो उसका रो इंडेक्स नंबर क्या है। तो इसने बताया 2, कि पूजा दूसरे रो इंडेक्स नंबर पे है,
और उसी तरह से मैंने यहाँ पे एक और मैच का फॉर्मूला लगाया और बोला कि भाई आप कॉलम भी बता दीजिए। तो इसने बताया कि कॉलम जो है रो जनवरी जो है वो हमारा दूसरे नंबर पे, अगर मैं दो कर दूं तो पांचवें नंबर पे अप्रैल है, थ्री कर दूं तो आठवें नंबर पे जुलाई है। तो मुझे हर इसका क्वार्टर के मंथ का फर्स्ट का रो पता चल गया, फर्स्ट मंथ का रो पता चल गया। ठीक है, तो मेरे पास मान लीजिए कि मैं यहाँ पे अगर वन ही देता हूं तो फिर मैंने यहाँ पे एड्रेस बनाया कि एड्रेस दो नंबर रो एंड दो नंबर कॉलन, तो बी टू आ गया। फिर एड्रेस बनाया और बोला कि दो नंबर रो और कॉलन में मैंने दो प्लस दो कर दिया, क्यों? क्योंकि जैन से फिर फाइव और मार्च मिलेगा ना, मतलब कि पहले पूजा के पहले क्वार्टर का डेटा बी टू से लेके डी टू तक है। लेकिन इसको डेट फॉर्मेट करके अगर हम सम करते हैं, इक्वल सम करते हैं, तो सम में हमें कुछ इस तरह से देना होता है ना, बी टू से डी टू। तो यहां पे हम दोनों को कॉन्केटनेट कर लेते हैं और सेपरेशन में कॉलन लगा देते हैं, ये हो गया एड्रेस। तो मुझे अभी इस एड्रेस का सम करना। अब मैं यहां जो भी नाम लिखूंगा, मैं नाम लिखते मान लीजिए मैंने मोनी दे दिया नाम, तो मोनी का यहां देखिए, मोनी का B5 से D5 डेटा दिख गया आपको सर? जी सर, B5 से D5। तो इसका सम चाहिए, तो अगर मैं डायरेक्ट सम में इसको डाल दूं तो नहीं वर्क करेगा। क्यों नहीं वर्क करेगा? इनडायरेक्ट लगाना पड़ेगा। हाँ, वर्क इसलिए नहीं करेगा कि सम इसको रेफरेंस समझता ही नहीं है। सम इसको समझता है एबीसीडी का एक मतलब एक सेल्फ वैल्यू समझता है। तो इनडायरेक्ट क्या करेगा, उसको बताएगा कि भाई ए इसको कन्वर्ट कर देगा। क्या देखिए इस तरह से कि इनडायरेक्ट को मिला इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में B5 से D5। इन्वर्टेड कॉमा लगा है, इसका मतलब क्या है कि एक टेक्स्ट है, एक एबीसीडी है। जब इसको हमने एवलेट किया तो B5 से D5 इन द रेफरेंस इन्वर्टेड कॉमा हट गया, रेफरेंस में कन्वर्ट हो गया, रिजल्ट आपके सामने आ गए। अब इस सारे फॉर्मूले को एक में मर्ज कर सकते हैं या करके बताऊं? चलिए मैं बता देता हूं, कहीं भूल गए होंगे मर्ज करना आप। हमने इसको कॉपी किया और कॉपी करने के बाद यहां D10 है, D10 पे पेस्ट कर देता हूं। फिर हमने इस मैच को कॉपी किया और इस मैच में हम यहां जहां हमारे पास B है इस पे हमने इसको पेस्ट कर दिया और यहां इसको सेलेक्ट किया, कॉपी किया और यहां जहां C है वहां पे पेस्ट कर दिया और यहां भी है C, तो इसको हम पेस्ट कर देते हैं और B वाले को कॉपी करते हैं। और जहां B11 है वहां इसको पेस्ट कर देते हैं। फिर इसको कॉपी करते हैं और E वाले के जगह पे हम पेस्ट कर देते हैं। फिर इसको वापस इसको कॉपी करते हैं और D11 के जगह पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब ये हमारा फॉर्मूला परफेक्ट हो गया। तो एड्रेस का इस तरह का यूज करते, क्योंकि इससे चीज काम करने के लिए मेरे पास कोई और फॉर्मूला था नहीं, क्योंकि और फॉर्मूला से वर्क नहीं होगा, समझ गए? जी जी मनोज जी, समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आपको? सर पता नहीं चला क्या कर रहे हो बेसिकली। सर पूछना चाहिए था ना, पता नहीं चला। तो
बेसिकली काम क्या है कि मेरे पास डेटा ए है, दिख रहा है आपको, मंथली, तो मैं चाहता हूं कि मैं यहां पे लिखा मोनी, मैं यहां पे एक काम करता हूं ना, हाँ मोनी लिखा और मैंने क्वार्टर वन दिया, तो मुझे इसका टोटल आना चाहिए कि मोनी का क्वार्टर वन का टोटल ए है आपका 136। जैसे मैं यहाँ पे क्वार्टर टू करूं तो मुझे क्वार्टर टू मतलब कि फिर अप्रैल मई जून का सेल चलाना चाहिए, देखिए एक तो चला, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि मैं यहाँ पे नेम लिख, नेम है हमारे पास यहाँ पे मेरे पास, मैं यहाँ पे क्वार्टर देना चाहता हूँ, तो जो भी नेम एंड क्वार्टर में लिखूं मुझे उसका टोटल यहाँ आना चाहिए, राइट सर। बट प्रॉब्लम क्या है कि मेरा डेटा क्वार्टर वाइज नहीं है, मेरा डेटा मंथ वाइज है। तो सबसे पहले हमने क्वार्टर, हर क्वार्टर का पहला महीना निकाला इस चूज फॉर्मूले की मदद से, ठीक है, ठीक है। तो मुझे हर महीने की पहला निकल गया, फिर हमने मैच का फॉर्मूला लगाया और पता किया कि जो जिस नाम को हम सर्च कर रहे हैं वो कितने नंबर रो में है, समझ गए आप इसको, ठीक है। फिर हमने वापस एक और मैच लगाया और बता किया कि जो हमारा क्वार्टर है उस क्वार्टर का पहले महीने का कॉलम क्या है, मतलब जिस डेटा को हमें सम करना है उसकी स्टार्टिंग रो 5 है और स्टार्टिंग कॉलम जो है 5, मैंने कि 5वें नंबर रो में 5वें नंबर कॉलम से स्टार्ट है जी। यहाँ पे मेरा डेटा अरेंज है मंथ वाइज, तो E5 से 2 कॉलम आगे की डेटा लेना है हमें। तो हमने सबसे पहले हमने एड्रेस का फॉर्मूला लगाया और हमने एड्रेस का फॉर्मूला लगा के रो नंबर के बिहाफ पे हमने क्या कर लिया, 5 नंबर रो एंड 5 नंबर कॉलम का एड्रेस पता कर लिया क्योंकि E5 है। और मुझे पता है कि दूसरे नंबर माने कि 2 कॉलम तक का डेटा लेना है, तो हमने एंडिंग के लिए, तो स्टार्टिंग हमारा हो गया एड्रेस का, एंडिंग के लिए हमने रो में +2 कर दिया, तो मुझे पता चल गया कि डेटा E5 से G5 तक है। लेकिन सम जब हम करते हैं तो सम को इस फॉर्मेट में डेटा चाहिए, एड्रेस चाहिए होता था। अगर मैं इसको एक 1x1 अगर कर दूं इस तरह से कि G5 D5, तो दोनों दो ही सेल का देगा, फिर वो कंटिन्यूस नहीं लेगा फिर। तो हमने इसको कॉनकेटेनेट से ये कर दिया, ज्वाइन कर दिया यहाँ पे, ठीक है। बट प्रॉब्लम वही है कि इनडायरेक्ट फॉर्मूला जो है लगाने लगा के साथ हम सम को देंगे तो फिर इसको कन्वर्ट कर देगा रेफरेंस में। अब समझ में आया, तो जो भी नाम मैं यहाँ दूंगा और जो भी क्वार्टर दूंगा उसके बिहाफ पे डेटा दे देगा। हालांकि इसके लिए कोई फॉर्मूला इसमें नहीं था, तो हमने कई सारे फॉर्मूले को मर्ज करके एक फॉर्मूला बना दिया। अब समझ में आ गया जी सर। आगे बढ़ते हैं, कुछ मिसलेनियस फॉर्मूले हैं उसको देखते हैं। जैसे कि हमारे पास एक फॉर्मूला है रो का, रो फॉर्मूला क्या करता है कि रो जिस सेल में, नहीं वी लुकअप इसके बाद है, अभी आप रेफरेंसेस फॉर्मूला कर रहे हैं फिर लुकअप फॉर्मूला करेंगे, ठीक है। तो रो फॉर्मूला क्या करता है कि किसी एक जिस सेल में आप लगाओगे उस सेल का रो नंबर दिखाता है। अगर रो फॉर्मूला लगाते समय अगर रो फॉर्मूले में किसी सेल का आपने एड्रेस दे दिया तो फिर उस एड्रेस का रो नंबर दिखाएगा। तो इसका यूज क्या होता है, इसका यूज, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसका यूज हम बहुत सारे जगहों पे करते हैं। जैसे कि मान लीजिए ना हमने पहले देख लीजिए सीरियल नंबर है हमारा, ठीक है। अब सीरियल नंबर में मान लीजिए कि अगर दो कुछ सीरियल हम डिलीट कर देते हैं डेटा, तो सीरियल नंबर हमारा अनसिक्वेंस हो जाता है। अगर आप रो फॉर्मूले का इस्तेमाल कर दें तो आप अगर बीच में से कोई डिलीट करें तो आपका अनसिक्वेंस नहीं होगा। इसमें डिलीट किया तो मेरा अनसिक्वेंस नहीं, वापस सिक्वेंस आ गया।
लेकिन यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है कि मैं जो सीरियल नंबर लिखता हूँ वो ए आपका कॉल नंबर 9 से लिखता हूँ। अब मैं यहाँ पे रो फॉर्मा लगा के एंटर मारता हूँ तो 9 आता है, जबकि यहाँ पे 1 आना चाहिए, तो -8 कर दीजिए 1 आ जाएगा। तो आपको कहीं फॉर्मूले के अंदर में सीरियल नंबर देना है तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ठीक है। या फिर जैसे कि इससे याद होगा, मुझे यहाँ पे डेटा फिल्टर करना है, चलो मैं फिल्टर की बात कर रहा हूँ, फिल्टर करना है, लेकिन मुझे हर तीसरा डेटा फिल्टर करना है, समझ गए। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगाऊंगा रो का, रो फॉर्मूला, और रो फॉर्मूले में मैं 2 आ गया तो मैं यहाँ पे -1 कर दूंगा। ठीक है, तो ये आपका 1, 2, 3 आ गया। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है मोड का, जो कि शेषफल निकालता है। तो मैं इस रो फॉर्मूले को मोड फॉर्मूले के अंदर डाल दिया एंड कॉमा 0 कर दिया। अब 0 नहीं, माफ कीजिएगा, 3 का मल्टीप्लिकेशन चाहिए ना, तो ये आपका 1 आ रहा है। जब डिलीट क्लिक करूंगा तो देखिए जैसे हर तीसरे पे आपका 0 आ गया, मतलब कि शेषफल, मतलब जो 3 से मल्टीप्लाई हो गया, जो सीरियल नंबर 3 से मल्टीप्लाई हो गया वहां पे आपको 0 शो कर दिया, समझ गया सर। जी जी। अब इसको आप 0 वाले को फिल्टर कर ले। जैसे हम रो यूज किए हैं उसी तरह से हमारे पास कॉलन का फॉर्मूला होता है, तो कॉलम नंबर बताता है और इसके अंदर कोई रेफरेंस दे दे तो हो जाता है। मतलब कि आपको अगर सीक्वेंस वर्टिकली नहीं हॉरिजॉन्टली चाहिए तो वहां पे आप कॉलम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और रोज होता है, जितना रो इसमें सेलेक्ट करेंगे उतना रो आपको दिखाएगा, और कॉलम्स होते हैं, जितना कॉलम्स इसमें आप सेलेक्ट करेंगे उतना कॉलम आपको दिखाएगा। इन सबों का रोज का तो थोड़ा बहुत यूज कर लेते हैं, कॉलम का यूज हम वीलुकअप में भी कर लेते हैं, रोज एंड कॉलम्स का यूज हम लोग एरे फॉर्मूला में करते हैं। तो आगे जब हम एरे फॉर्मूला आपको पढ़ाएंगे उसमें इसका यूज हम आपको बता देंगे, ठीक है सर जी। ओके, चलिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अगला फॉर्मूला हमारा हाइपरलिंक का है। हाइपरलिंक समझते हैं ना सर, जैसे कि www.google.com लिख दिया मैंने, तो एंटर मार पे इस पर हाइपरलिंक लग जाता है, लेकिन मेरा हाइपरलिंक डिसेबल है इसलिए नहीं लगा। अब मुझे इसको हाइपरलिंक में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए एक तो है कि आप इंसर्ट मेनू बार में जाएं और यहां लिंक पे क्लिक करके आप अपनी हाइपरलिंक लगा दें। लेकिन इसका यूज कब कर सकते हो, जब आपके पास 1 हो, ठीक है। अब आपके पास 1 से ज्यादा हो, 2-4-500 हो तो कैसे करेंगे, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हाइपरलिंक का फॉर्मूला लगाएंगे और इसका अब इस छोटी मोटी फॉर्मूला नहीं समझिए, इसका यूज हम VBA फंक्शन में करते हैं जब हमें माउस इवेंट चाहिए होता है। तो इसका सही यूज और सही तरीका हम आपको बताएंगे कब, जब हम आपको पढ़ाएंगे VBA फंक्शन, ठीक है ना। उसके बाद आज का लास्ट फॉर्मूला है ट्रांसपोज का। जैसे कि मान लीजिए कि मैं नेम मंथ है और सेल्स है हमारा,
और फिर मैं यहाँ पे ट्रांसपोज, मान लीजिए कि मुझे इसको कन्वर्ट करना है कॉपी करके, तो राइट क्लिक किया, पेस्ट स्पेशल, ट्रांसपोज कर दूंगा तो आ जाएगा। लेकिन ये तो हमारा आया हुआ है, वो आया हुआ है किसमें, जस्ट कॉपी पेस्ट होके आया है, लेकिन लिंक तो है नहीं, मुझे इसको लिंक करना है। तो आप इस जितना एरिया में आपका डेटा आएगा उतना एरिया सिलेक्ट कर लीजिए, ट्रांसपोज का फॉर्मूला लगाइए, डेटा को सिलेक्ट कीजिए और फिर इस पे कंट्रोल शिफ्ट एंटर मार दीजिए, तो सेम आपका लिंक हो जाएगा। अब यहाँ जो भी चेंज करेंगे वो चेंज हो जाएगा, ये एरे के साथ लिंक हुआ है सर, ठीक है। तो इसका कोई खास नहीं है। तो रेफरेंस कैटेगरी का फॉर्मूला आज मैंने कवर कर दिया, लिंक मैंने आपको भेजा था, आप लोगों ने देख लिया होगा, जिन्होंने नहीं देखा उसको देख लीजिएगा। अगली क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे लुकअप मेथड।